इलाहाबाद में जनवरी में लगे माघ मेले में एक बड़ा घालमेल हुआ। अफसरों ने माघ मेले की तैयारियों के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया। मेला संगम किनारे में ही जैसे किसी फाइव स्टार होटल में लगा हुआ हो। एक मीटिंग में अधिकारियों ने 1200 रुपए पर प्लेट की दर से खाने का भुगतान दिखाया है, जबकि ये खाना किसी फाइव स्टार से नहीं बल्कि एक हलवाई की यहाँ से आया था। साधु संतों के साथ हुई बैठक में 87,000 रुपए से ज्यादा नाश्ते का पेमेंट हुआ। संतों को 1,60,000 रुपए के अंगवस्त्र बांटे गए और गंगा पूजा के नाम पर भी 3,00,000 रुपए के बारे में न्यारे हुए। सवाल ये है कि इतने शाही इंतजाम मेले में नजर तो नहीं आए, तो फिर ये पैसा गया कहाँ? जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी। देखा जाए अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी कुछ समय पहले न्यूज आई है, खबर आई है कि अधिकारी लोग 1200 रुपए में भोजन कर रहे हैं, 1200 रुपए की थाली में भोजन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि धर्म के नाम पे एक ये जो है आस्था के नाम पे खिलवाड़ है। पब्लिक का पैसा चूस के, पब्लिक गरीबों का पैसा टैक्स लेके ये धर्म के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि इसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं उन अधिकारियों को तुरंत उनके पीछे जो है जांच बैठाई जाए। योगी जी से और प्रधानमंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता हूँ कि उन अधिकारियों के पीछे जो है जांच बैठाई जाए। ये हमारे सामने भोला वैश्य ने जो एक बिल मेला अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत किया है उसकी फोटोकॉपी आई है। ये जानकारी हम लोगों के समक्ष आ चुकी है, डीएम साहब को भी जानकारी दे दी गई है। इसमें बहुत गंभीर जांच की जा रही है और तुरंत ही आज ही मेरी समझ से सभी अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी उसका निर्णय लिया जाएगा।